नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी देखने वालों को हम बता दें कि हम आज के इस सत्र में कौन से विषय पर बात करने वाले हैं। हम हिंदी के नवी कक्षा के बच्चों के लिए लेकर आए हैं एक कविता पाठ और हमारा शीर्षक है वाक। और इस पर आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी विशेषज्ञ। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं डॉक्टर पाला भार्गवी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी बहुत। और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि मैम हिंदी कंसल्टेंट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में और आपको वाक के बारे में बहुत विस्तार से आपको जानकारी देंगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आ रहा हो या फिर कोई बात है जो आप मैम के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559 या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर जो है dth.class9@cit.nic.in या फिर अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो वहाँ पे लाइव चैट बॉक्स पे कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। इन तमाम माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें आशा है कि आप हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। और यहाँ पर हम अपने विशेषज्ञ की तरफ हम रुख करते हैं। मैम हमने जैसे बताया अपने सभी देखने वालों को कि हम वाक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे वाक के बारे में, क्योंकि एक ऐसा शब्द है जो हो सकता है हमारे बच्चों के लिए नया हो। बिल्कुल, वाक मूलतः एक काव्य शैली है। जैसे हम कबीर के बारे में जब हम कबीर के को पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कबीर की साखियां। मीरा को पढ़ते हैं तो मीरा के पद, रहीम के दोहे। फिर अगर हम गुरु नानक को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि हम गुरु नानक के शब्द को पढ़ रहे हैं। इसी तरह जिसकी लिखी हुई कविता है उसके बारे में हम जब उसकी शैली को, जो काव्य शैली है, उसे हम वाक के नाम से जानते हैं। जी तमाम, जैसे आपने बताया कि जिन कवयित्री की ये शैली है, क्योंकि एक काव्य शैली है तो उनकी शैली को हम वाक के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा दिलचस्प है जानना, रोचक लग रहा है। तो हम आपसे सबसे पहले हम कवयित्री के बारे में जानना चाहेंगे जो ललेश्वरी हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी बच्चों को इनके बारे में विस्तार से बताएं। ललेश्वरी, इनका जो मूलतः जो पाठ पढ़ रहे हैं इसमें नाम लिखा है ललद्यद, तो इनके कई नाम हैं। कई नाम से ये पुकारी जाती रही अपने समय में। ये कवयित्री 14वीं शताब्दी की मानी जाती हैं और इनका जो एरा है, इनका जो युग है, अनुमानतः ये माना जा रहा है कि 1320 से लेकर 1392 तक ये इनका मतलब कालखंड है। ऐसे समय में ये लिख रही होती हैं और ये कश्मीर की प्रमुख कवयित्री, मध्यकालीन काव्य कविताओं के समय में, जिस समय कबीर, रहीम इस जो लोग थे उसी समय, मध्यकालीन यानी भक्ति युग जो था उसी समय ये कश्मीर में बैठकर कविताएं लिखा करती थी। यह इनकी, और इनका जो, जैसे हम तुलसी को पढ़ते हैं तो तुलसी के बारे में सुनते हैं कि वो राम को लेकर लिखते हैं, राम भक्त होते हैं। और कबीर को तो कबीर के बारे में पढ़ते हैं जब बच्चे तो सुनते हैं कि निर्गुण इनके पद होते हैं। यानी इसी तरह जब इनकी जब रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो वो शिव के इर्द गिर्द, शिव जो आदिदेव माने जाते हैं, उनको उनकी ये आराधना करती होती हैं। तो इस तरह से ये शैव भक्त कवि हैं, भक्त कवित्री हैं। और सिर्फ हिंदू मतलब धर्म से ही इनका लगाव नहीं था। अच्छा। इन पर प्रभाव था सूफिज्म का भी। सूफिज्म तो ये इनकी जो रचनाएं हैं उनमें आप मतलब सूफी संप्रदाय और हिंदू संप्रदाय, इन दोनों का एक बहुत ही खूबसूरत समागम देखने को मिलता है। इसीलिए इनकी कविताओं में, इनकी काव्य, इनके वाक में उर्दू फारसी के भी शब्द कभी कभार मिल जाते हैं।
जबकि और लोगों की कविताओं को पढ़ेंगे आप तो आप क्या देखते हैं, रहीम को पढ़ेंगे तो अलग तरह की शैली है, कबीर को तो अलग तरह के शब्दों की रचना है, तो इसमें क्या हम देखते हैं कि इसमें उर्दू फारसी इस तरह के शब्द और संस्कृत के भी शब्द आते हैं। अच्छा। तो ये मिला जुला एक इससे स्वरूप उभरता है इनका। तो एक तो सबसे बड़ा इनका असर यहाँ पर आ रहा है, ये एक इनके बारे में एक बहुत रोचक जानकारी है। दूसरा कि ये कश्मीर की पहली महिला कवयित्री मानी गई, ठीक है, महिला जी जिन्होंने काव्य रचना में कदम रखा, तो एक स्तंभ के रूप में ये कश्मीरी भाषा के एक स्तंभ के रूप में ये मानी जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आज सुनते हैं महादेवी को हिंदी आधुनिक हिंदी में और मीरा को सुनते हैं हम मध्यकालीन हिंदी में, तो इस तरह से इनके बारे में एक ये है। और इन्होंने जो काव्य शैली अपनाई जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की कि वो उस काव्य शैली का नाम ही है वाक्। तो इस तरह से बिल्कुल, और जैसे आपने बताया कि बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर रही हैं ये। अगर हम कश्मीर की कवियत्रियों की बात करें तो पहली महिला कवियत्री रही हैं, और मैम आपने बताया कि उन्हीं की ये काव्य शैली है वाक, तो बहुत ही दिलचस्प होगा अब आपसे जानना वाक के बारे में, और हम चाहते हैं कि आप हमारे सभी बच्चों को विस्तार से बताएं कि वाक काव्य शैली आखिर है क्या। वाक जो है मूलतः संस्कृत का शब्द है वाक्य, शब्द है वाक्य, इसका रूपांतरित स्वरूप है वाक, बिगड़ा हुआ, जिसको हम अगर हम कहें तो बिगड़ गया, बिगड़ना नहीं है, चूंकि ये कश्मीर जो इलाका है वो अफगानिस्तान ईरान से जुड़ा हुआ है। जैसे हम सुनते हैं कि सिंधु नदी को उधर से ईरान से आए हुए लोगों ने हिंदू कह दिया, ठीक है, इसी तरह वो लोग उनके उच्चारण में भेद था, वाक्य को उन्होंने वाक कहा। तो कश्मीर पर कश्मीरी भाषा और जो है, और फिर उधर हम जब पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो उधर ये मतलब वर्णों में एक खास तरह का अंतर आता है उच्चारण भेद के कारण। तो इस तरीके से ये वाक्य जो है वो संस्कृत का वाक्य वाक में बदल गया। पहले तो वाक्य के बारे में हमें ये जानना चाहिए। और दूसरा वाक्य का, अब जब हम वाक्य की बात करते हैं तो वाक्य जो हम आमतौर पर पढ़ते हैं वो वाक्य है, लेकिन वाक्य हम तभी लिखते हैं जब हम उसे अनुभव करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो ये वाक है वस्तुतः उसमें जो कुछ भी ललित दत्त ने लिखा उसमें होता क्या है कि ललित दत्त अपने जो उनके अनुभव थे जीवन के, बहुत सत्य अनुभव थे, सच्ची अनुभव थे, उनको उन्होंने अभिव्यक्त किया। ठीक वैसे ही जैसे कबीर ने क्या चरखा चलाते हुए जो अनुभव करते थे उसे ही उन्होंने अपनी साक्षियों में पिरो दिया, वैसे शब्दों का इस्तेमाल। इसी तरह और जो जैसा था उन्होंने अपने समय में भक्ति काल के समय के जितने भी कवि थे वो इसी तरह से अपने अनुभवों को व्यक्त करते थे। तो इन्होंने जो अनुभव किया, प्रामाणिक जो अनुभव था, सच था, वो उन्होंने यहाँ वाक्य के जरिए व्यक्त किया। तो इसलिए इनको मानते हैं हम कि इनकी साखियों की ही तरह, कबीर की साखियों की तरह यह मिलता जुलता काव्य शैली, मिलती जुलती काव्य शैली है। ठीक है, एक तो ये हम जान लेते हैं इनके बारे में। और इनके बारे में एक सबसे रोचक वाक के बारे में जान रहे हैं, वाक में जिस तरह की बात हम कर रहे हैं कि इसमें बहुत सरल शब्दों में सरलता से, लेकिन भक्ति पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ यह काव्य है, काव्य शैली। मतलब भक्ति आपको हर कदम पर लगेगा कि अरे ये तो सामान्य शब्द है, लेकिन ढूंढ क्या रहा है, ईश्वर की खोज में निकल पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे कबीर चरखा चला रहे हैं लेकिन निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए साकार कुछ भी नहीं, ठीक इसी तरह इनके लिए, ललित दत्त के लिए जो कुछ भी है शिव और उनके इर्द गिर्द डूब चलती हुई भक्ति। जी जी, तो मैम अब हम वाक्य की जैसे
हमारे बच्चों को स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, उसकी तरफ बढ़ते हैं और हम आपसे निवेदन करेंगे कि वाक्य की शुरुआत की जाए। बिल्कुल, जैसे पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, ची में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। ये पहला वाक है। इस वाक को जब हम देखते हैं, इसका अर्थ हम अगर हम इसको पढ़ करके समझने के लिए अगर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ इस पहले वाक में कवयित्री कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की। अब ये कच्चा धागा क्या है? रस्सी जिसे हम खींच रहे होते हैं, रस्सी से हम किसी भी चीज को खींचते हैं, तो रस्सी है क्या? ये सांस है। हम मनुष्य सांस लेते हैं और अपने जीवन को खींचते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा, रस्सी कच्चे धागे की, छोटी छोटी सांस तो कभी भी टूट सकती है, इसीलिए उन्होंने उसे कच्चा धागा कहा सांसों को। सहारे यह दैहिक भौतिक जीवन की नाव खींच रही है। ये बताती है कि ये जिंदगी जो है, ये शरीर है, इसे धीरे धीरे सांसों के सहारे खींचे जा रही हैं। और खींचते खींचते इस संसार सागर को वो पार कर लेना चाहती हैं। देव, और उसके बाद कहती हैं, जाने, बार बार कहती हैं कि मैं हर बार पुकारती हूं, मेरी हर सांस में ईश्वर की बात आती है, हर सांस से मैं ईश्वर को पुकारती हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि कब वो मेरी बात सुनेगा, कब वो मुझे सुनेगा। ऐसी बात करते हुए कहती हैं कि इंद्रियां और उनकी विषय वासनाओं के लोभ मोह के बीच मेरी हालत, अब जो तीसरी पंक्ति है आप देखें, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे कहते हैं मिट्टी के बर्तन को, सकोरे कहते हैं, तो उस सकोरे में अब कच्चा सकोरा क्यों कहा शरीर को, क्योंकि और पानी का टपकना क्या है? पानी का टपकना मनुष्य क्या है, जब जन्म लेता है तो बिल्कुल बच्चा निर्दोष होता है, तो जन्म के साथ तो मनुष्य धरती पर आता है तो निर्दोष आता है, लेकिन जैसे ही वो संसार के प्रपंच में आता है, संसार के लेन देन व्यापार में आता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है, लोभ में फंस जाता है। माता पिता हैं, सोचते हैं अरे अरे मेरा बच्चा पढ़ जाए, मेरा बच्चा पढ़ता है पर बच्चा पढ़ाई पूरी करता है तो इसकी नौकरी लग जाए, तो इस तरह एक पूरे जीवन चक्र में मनुष्य फंस जाता है। तो इसको कहता है कि लेकिन अब ये छोटे छोटे लोभ मोह हैं मनुष्य के, तो उसी लोभ मोह की चर्चा करती हुई कहती हैं कि मेरे भीतर भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारे लोभ मोह हैं, लेकिन ये लोभ मोह जो हैं इसमें फंसकर मेरा जो ये शरीर है, शरीर कहने का मतलब मेरा मन, मेरी आत्मा, यहां शरीर का मतलब आत्मा से है, वो आत्मा धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कच्चे सकोरे की तरह ये व्यर्थ हो जाएगा, इससे हम कुछ भी पा नहीं सकेंगे, गल पच जाएगा। इसके बाद वो कहती हैं कि लगातार ऐसा हो रहा है उनके साथ कि उनको लगता है कि वो फंसी हुई हैं इस संसार के चक्र में। इनके बारे में एक मजेदार बात ये भी है कि ललद्यद ने बीच ही में, उनका विवाह होता है एक छोटे से राजा के, कश्मीर के एक राजा से, और वह संसार ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने घर त्याग दिया, वैसे ही इन्होंने संसार त्याग दिया, मतलब अच्छा। जो घरेलू संसार था इनका, हाँ। वैवाहिक जीवन था, उसको त्याग कर वो बाहर भक्ति के लिए निकल पड़ी। तो यहीं पर वो खोज में अनवरत रहती हैं ईश्वर की। तो यहां वो कहती हैं कि मैं इससे निकल कर बाहर आना चाहती हूं, और यही मेरा, चूंकि उनको लगता है कि वो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रही है उससे वो कुछ भी पा नहीं पा रही है। इस तरह जब भी ये बात सोचेंगे मुझे लगेगा कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं, मैं दिन भर मेहनत करती हूं लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आता, तो इस तरीके से वो भी अपने, उनके लिए रिजल्ट क्या है, ईश्वर की तक पहुंचना, तो वो फील करती हैं कि ये उनका पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, और इसके कारण उनके मन में एक हुक सी उठती है, हुक मतलब कष्ट, वेदना, ओह ये क्या हो गया, मैंने अपना पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया,
इस तरह की फीलिंग में ये डूब जाती हैं, इस एहसास से डूबकर ये घबराती हैं। जी, ये पहले वाक्य में है। मैम, अगर हम इसके इनके पहले वाक्य की तरफ नजर डालें तो हमें मालूम पड़ता है कि हर शब्द के माध्यम से वो आध्यात्म को ढूंढना चाह रहे बिल्कुल, हैं बिल्कुल। हर शब्द उनका कुछ ना कुछ प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने इस्तेमाल किया है और बहुत ही अच्छे प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, अच्छे प्रतीकों का इस्तेमाल किया है। अब जैसे इसमें उन्होंने उठाई घर की बात, घर जाने की चाह है घेरे, यहाँ घर मैंने इसीलिए कहा कि वो घर त्याग चुकी हैं, सांसारिक जो उनका घर है उसे उन्होंने त्याग दिया, तो किस घर की बात यहाँ वो कर रही हैं? यह घर जो है उनका परमात्मा के पास पहुंचना, यानी जैसे हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि शिव धाम चले जाएं, विष्णु लोक को प्राप्त हो जाएं, तो इस तरीके से उनके लिए विष्णु तक, शिव तक पहुंचना ही उनका, परमात्मा तक पहुंचना ही उनके लिए घर जाने जैसा है। जी, तो मैम आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरे वाक्य अब दूसरे वाक पर अगर हम आते हैं, ये अलग तरह का, यहाँ पहले वाले में एक अलग दर्शन है, दूसरे वाले में एक अलग तरह का दर्शन खड़ा होता है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब यहाँ पर अगर हम आधुनिक समय में लें तो बच्चे खूब खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, और पता चलता है कई तरह की बीमारियों से भरे गिर गए। तो यहाँ खाने का मतलब हम इसको सांसारिक तौर पर भी ले सकते हैं खाने को लेकर के। ज्यादातर आप सुनेंगे बच्चों को डाइट कंट्रोल और योग, जब हम सुबह जब हम देखते हैं योग करते हैं, कम खाइए, कम खाइए, बहुत, ऐसा भी नहीं कि आपको छोड़ देना है, ऐसा भी नहीं कि आपको खाते जाना है। तो संतुलित और स्वस्थ होने के लिए जिस तरह जरूरी है कि थोड़े थोड़े समय पर, एक अच्छे अंतराल पर हम थोड़ा थोड़ा खाएं, यानी एक हमारे बीच संतुलन बना रहे, ठीक है। तो ऐसा ही ये कहती हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, यानी खाते जाओ। ये खाना क्या है? ये यहाँ पर खाना संसार को भोगना है। यानी जैसे हम क्या क्या कर रहे होते हैं, हम करते हैं कि जीवन के जो आ रहा है और पैसा कमाओ, और की चाह में हम 99 की पेर में पड़ जाते हैं। लालच खत्म नहीं होता। अगर हम आर्थिक रूप से कहें तो हम 99 के फेर में होते हैं, सांसारिक रूप में कहें तो हमें लगता है कि ओ हम अपने परपोते की भी शादी देख लें, हम परपोते का भी घर बसा देख लें, तो ये एक सांसारिकता है। तो यानी ज्यादा 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 की बात हम न करें, हम इतना ही करें कि सब कुछ संतुलित हो। अब एक तरफ, अब यहाँ मजेदार है, उन पर कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। मैम मजेदार है और बहुत ही रोचक तरीके से आप हमें बता रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4-4.5 मिनट का समय और शेष है हमारे पास सत्र के लिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वाक्य हम आपसे जाने। हाँ, तो एक तो दूसरे में ये जो पूरी कविता है हमने बताया भी है लिख करके, तो अर्थ मैंने दिया है, लेकिन इसमें मध्यम मार्ग की बात कहती है कि ऐसा भी नहीं कि आपको छोड़ देना है, और ये भी नहीं कि आपको बहुत करना है, यानी आपको करना क्या है, मध्यम मार्ग की ओर आपको हर चीज बैलेंस्ड वे में हो, संतुलन। इसीलिए हम सुनते हैं कि जो कुछ भी है हमें समत्व की बात करनी है, संतुलन हमारे अपने जीवन में रखना है, दूसरे वाक में कहती हैं। तीसरे वाक की जब हम बात करते हैं तो इन दूसरे वाक में मूलतः बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का असर दिखता है। अच्छा। जहां हम बात कर रहे होते हैं तीसरे वाक में ये कहती हैं कि तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। ठीक वैसे ही पहले ही वाले वाक्य की तरह यहां भी कहती हैं कि सुसुम सेतु, हम बीच बीच में, हम ऐसा है कि बस हम लालच में, सुख मौज मस्ती में, यहाँ सुसुम सेतु एक इंपॉर्टेंट वर्ड है।
शब्द है। तो सुषुम सेतु का मतलब होता है कि हम बिल्कुल मौज मस्ती में, सुख सागर में, सुख की दुनिया में हम डूबे हुए हैं, वैसा नहीं करना है हमें। जब ये पूरा बीत जाता है तो हमें हमारे हाथ क्या आता है, हमारे हाथ आता है ओह कुछ भी नहीं बचा जो हम अपनी सच्चाई, क्योंकि आई सीधी राह से जब बच्चा आता है तो बिल्कुल आप देखते हैं सुनते हैं कि बच्चा बिल्कुल निर्वस्त्र होकर धरती पर जन्म लेता है। हम उसे कपड़ा पहनाते हैं, उसे ढकते हैं, और धीरे धीरे कपड़ा उसके शरीर को ही नहीं ढकते, हम उसके मन को, उसके तन को तरह तरह की चीजों से ढकते चले जाते हैं और वो फंसता चला जाता है। तो ये कहती है कि जैसे आई थी काश हम वैसे ही ईश्वर तक वापस उतनी ही सहजता, उतनी ही सरलता से हम लौट पाते, बच्चे की तरह हम लौट पाते। लेकिन जब हम लौटने जाते हैं तो पता चलता है हम बहुत ही तरह के प्रपंचों में, तरह तरह की चीजों में घिरे होते हैं। तीसरा वाक, चौथा वाक जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के संदर्भ में, कि इसमें कहती है थल थल में बसता शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। आज के समय पर यह बहुत ही अच्छा कमेंट है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। यहां साहिब का मतलब ईश्वर। अब यहां देखिए, एक तरफ शिव से शुरू करती हैं और खत्म वो साहिब पे करती हैं, यानी एक तरफ हिंदू धर्म और साहिब सूफिज्म, दो ये दो तरह के ये दिखते हैं, दो धाराएं दिखती हैं। तो कहती हैं कि क्या हिंदू मुसलमान और दुनिया के प्रपंच में जाति धर्म तमाम चीजों में फंसे हो, अपने को जानो। जो मनुष्य अपने को जान लेगा वो दुनिया को जान जाएगा। बिल्कुल सही। तो अपनी तलाश करो, आत्मज्ञान करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ही संक्षेप में आपसे हम इसको आज के संदर्भ में, जैसे आपने कहा बहुत जरूरी है, आज के संदर्भ में जोड़ते हुए आप हमारे बच्चों को इसे क्या बच्चों को देना चाहेंगे? तीन चार मैं बातें इम्पोर्टेंट कहूंगी। एक तो किसी भी चीज की अपने जीवन में एक्सट्रीम पर मत ले जाओ, किसी भी चीज को। पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही मत रहो, जीवन को संतुलित रखो। टीवी पर बैठे हो तो टीवी पर ही मत बैठो, नेट पर हो तो नेट पर ही मत बैठो, जीवन को संतुलित करो तभी सफलता मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि तमाम तरह की दुनियावी बातें जो आजकल के समय में चल रही हैं, हमें तमाम चीजों से अलग होकर एक नई बात अपने लिए गढ़नी है। दुनिया को समझने के लिए तमाम चीजों का चश्मा, जो समाज में सोशल मीडिया और तमाम चीजों से जो चश्मा हमें मिल रहा है समाज को देखने का, वो चश्मा हमारे पास ना हो, हमारे पास खुद का चश्मा हो। हम चीजों को एनालिसिस करें, उनका विश्लेषण करें, उन्हें समझें, अपने नजरिए से देखें कि हमारे सामने जो घटना घट रही है क्या वो सही है या नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है। और ये बच्चों को दूसरी बात मैं बताना चाह रही थी जो आज के संदर्भ में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जी मैम, ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों, क्योंकि आप हमारे भविष्य हैं और आप हमारे राष्ट्र के निर्माता हैं, तो आपकी अपनी सोच और अपना दृष्टिकोण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप ज़रूर फोकस करें और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें जो मैम ने आपके बताई। और मैम समय में इजाज़त नहीं दे रहा है इस सत्र को आगे बढ़ाने का, लेकिन हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानते, चाहे वो कवियत्री हो या फिर वाक के बारे में हो। बहुत ही बेहतरीन काव्य शैली रही। और डॉक्टर अपाला, हम आपको मैम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को भी और जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो मैम को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने नवी कक्षा के हिंदी के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इतनी अच्छी ये काव्य शैली वाक लेकर आए। और अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि अभी हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए पीएमए विद्या चैनल पर। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव फोन इन प्रोग्राम के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।